मुंबई में कल यानी कि सोमवार को मतदान होना है और ग्राउंड पर ज़बरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही है। इस वक्त हम वर्ली इलाके में मौजूद है और ये जांबूरी मैदान है जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पोलिंग स्टेशंस का सेटअप किया जा रहा है। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस यहां पर बनाए जा रहे हैं। जो अधिकारी है, इलेक्शन ऑफिशल्स, वो पहले से आकर यहाँ पर मौजूद है। कैसे साइन बोर्ड्स हो गए, आप देखें कि अभी फिलहाल साइन बोर्ड्स बनाने का जो काम है वो चल रहा है। अंदर जो ईवीएम मशीन्स है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, ईवीएम मशीन्स को वहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। साथ ही जो पोलिंग बूथ होता है अंदर का, आप देखिए यहाँ पर ये तस्वीर देखिए अंदर की, कि जो नेम ऑफ द स्टेट्स है वो महाराष्ट्र लिखा हुआ है और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्शन अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और कई सारे साइन बोर्ड्स है वह यहाँ पर चिपकाने पड़ते हैं, क्योंकि जब मतदान यानी कि वोटर्स जब यहाँ पर आते हैं तो वो मतदान करने के लिए बहुत ईज ऑफ वोटिंग हो, यानी कि बहुत आराम से वो यहाँ पर आए और बिना किसी तकलीफ के वो यहाँ पर मतदान करके चले जाए, तो ये सिक्योर करना, इस चीज़ को सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखिए कई सारे यहाँ पर जो साइन बोर्ड्स है और इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स है वो लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो पोलिंग स्टेशन है उसका सेटअप किया जा रहा है। जो अलग अलग इलेक्शन अधिकारी यहाँ पर मौजूद है वो पूरा पोलिंग जो स्टेशन है उसका सेटअप कर रहे हैं, और ऐसी ही तैयारी आपको पूरे मुंबई में दिखेगी। मुंबई में टोटल 6 सीटों पर मतदान होना है, काफ़ी कांटे की टक्कर आपको इस वक्त मुंबई में देखने को मिलेगी। दूसरी अगर जो बात करूं तो महाराष्ट्र का ये 5th फेज का चुनाव है, और 5th फेज के चुनाव में यानी कि आखिरी फेज है महाराष्ट्र के लिए, टोटल 13 सीटों पर मतदान होना है। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई की 6 सीटें, जैसा मैंने आपको कहा, पीयूष गोयल है, उज्ज्वल निगम है, कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मुंबई से अगर जो हट के बात करें तो ठाणे में मतदान होना है। ठाणे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है, फिर उनके जो बेटे हैं वो कल्याण से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी मतदान होना है। पालघर में मतदान होना है। नासिक, जहाँ पर ज़बरदस्त हमको माथापच्ची देखने को मिली थी महायुति के बीच में, वहाँ पर भी मतदान होना है। ये जो 5th फेज का चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो इसलिए भी खास है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद घाटकोपर यानी कि मुंबई में आके एक रोड शो किया, फिर शिवाजी पार्क में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। याद रखिए कि उस समय एमवीए ने भी एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, वो बीकेसी में हुई, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अन्य कई बड़ी नेता एमवीए के बीकेसी में मौजूद थे। तो सभी जो नेताओं ने एकदम ज़बरदस्त लड़ाई रखी है और कांटे की टक्कर इस वक्त हमको देखने को मिल रही है, खास तौर पे महाराष्ट्र के इस चुनाव में। और ये आखिरी फेज है जहां पर मुंबई में मतदान होना है। देखिए मुंबई में कई सारे बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज होते हैं, ये एक आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस तरीके का सेटअप यहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि कैसा सेटअप यहां पर किया जा रहा है। जो इलेक्शन अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है, और इस जो पूरा जांबूरी मैदान का ये जो पूरा ग्राउंड है ये काफ़ी बड़ा है, और कई सारे पोलिंग स्टेशंस का यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कैसा सेटअप किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईवीएम्स पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं। जो एक पोलिंग बूथ के अंदर कैसा सेटअप होना चाहिए वो सेटअप ऑलरेडी रेडी है, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और साइन बोर्ड्स को लगाया जा रहा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने भी इस पूरे पोलिंग एरिया को सिक्योर किया है, क्योंकि बहुत ही सिक्योरली यानी कि सेफली इस पूरे मतदान को होना है। तो तैयारियां पूरी तरीके से हो गई है। हमारे माध्यम से हम मुंबई करों को भी यही अपील करेंगे कि वो अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि मुंबई कर ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकलते, जो जिस तरीके का मतदान होना चाहिए वैसा मतदान नहीं होता। तो हमारे तरफ से भी यही अपील रहेगी कि मुंबई कर अपने घरों से बाहर निकले, बहुत अच्छे से सुविधा आपके लिए की है, ईज़ ऑफ वोटिंग जो होता है वो यहाँ पर रखा गया है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और यहाँ पर आके आप भारी तादाद में मतदान करिए। कैमरा पर्सन अनिकेत चौहान के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।